खान की मूवी जहाँ पहले ही दिन बहुत बड़ी ओपनिंग के साथ में एक और रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान की इस मूवी ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ के एक और नया रिकॉर्ड सेट करते हुए सबको ये दिखा दिया है कि किंग खान अभी भी किसी से कम नहीं है। अगर वो अपने पे आ जाए तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। और साथ में हम आपको बता दें कि शाहरुख खान की जवान मूवी के रिलीज़ के एक दिन पहले 6 सितंबर को महेश बाबू ने ट्वीट किया था कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जाकर ये मूवी देखने वाले हैं, क्योंकि देख के लग रहा है मूवी बहुत बढ़िया है। और इसी को रीट्वीट करते हुए शाहरुख खान ने लिखा है कि भाई बहुत बढ़िया लगा मुझे आपकी ये बात, और अगर आप जाने वाले हो फैमिली के साथ देखने के लिए तो मुझे ज़रूर याद करना, मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपके साथ चल के मूवी देखूंगा। और ये जो साउथ इंडियन सुपरस्टार और बॉलीवुड के सुपरस्टार के बीच में जो ये कॉम्बिनेशन और ये जो प्यार देखने को मिला, इसको देख के नीचे रीट्वीट से पूरा का पूरा ट्विटर भर गया, जो कि वाकई में बहुत बढ़िया बात थी। और उसके बाद में नेक्स्ट डे जब मूवी रिलीज़ हुई तो महेश बाबू मूवी देख के भी आए, और देख के आने के बाद में फिर से ट्वीट किया कि मूवी वाकई में बहुत बढ़िया थी, एकदम माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया काम किया किंग खान ने, वाकई में दिखा दिया कि वो किंग खान हैं। और साथ में ही एटली का डायरेक्शन और अनिरुद्ध के म्यूज़िक को भी बहुत ही ज़्यादा तारीफ मिली, और महेश बाबू के इन वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से लिया गया। फैंस ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा है और हर कोई ये बोल रहा है कि साउथ के सुपरस्टार और बॉलीवुड के किंग खान दोनों किंग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जो वाकई में देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साउथ इंडियन डायरेक्टर के साथ में बॉलीवुड के एक्टर का ये जो रोल रहा इस बार, ये मूवी देख के सबको समझ में आ गया है कि वाकई में अब की बार तो ऐसी और मतलब बहुत ज़्यादा मूवीज़ आने वाली हैं जो वाकई में कमाल करेगी। जैसे जवान आई है अभी, ऐसे ही बहुत सारी मूवीज़ आने वाली हैं जो कि साउथ के लोगों के साथ में कैमियो करके बनाई जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब तो मूवीज़ आगे भंडार भर के आने वाली हैं। आप सभी उसको लेकर कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कितना और क्या सोचते हैं जवान मूवी के बारे में वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और महेश बाबू और शाहरुख खान के इन ट्वीट वाली चीज़ों के बारे में भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये सब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।